हेलो एंड वेलकम टू टॉक 100.3। मैं हूँ विवेक सनिल और मेरे साथ आज है वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट एक्टर्स। एंड बिफोर वी इंट्रोड्यूस, आपको बता दें कि यार यूट्यूब हम रोज देखते हैं, कुछ मीनिंगफुल देखना है तो वर्सेस ऑफ वॉर देखो। इसी के लीड एक्टर विवेक ओबरॉय हमारे साथ। विवेक, लवली टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच विवेक। इट्स सो फनी टू से विवेक एंड विवेक एंड विवेक एंड विवेक, बट बढ़िया है यार, ऐसा होना चाहिए लाइफ में। विवेक ही विवेक होना चाहिए, नहीं? विजडम ही विजडम हर जगह विजडम, पे। यस करेक्ट, ब्यूटीफुल। तो विवेक, अच्छा, इसके सबसे कई मीनिंग्स है वैसे। आप अपने बड़ा साधारण सा विजडम ठोक दिया मीनिंग विवेक का, बट एक्चुअली इसके कई कई मायने हैं, इसके कई पहलू हैं। वन मीनिंग ऑफ विवेक इज द इनर वॉइस, वो जो आपको बताता है क्या सही है क्या गलत है ना? तो मतलब ऑलमोस्ट विवेक इज इक्विवेलेंट टू बीवी, क्योंकि बीवी यही बताती है ना लाइफ में कि क्या गलत है क्या सही है। जो वो अपने को आपका नहीं पता विवेक वो आपका बीवी बताती है। जमीर सुपर। तो इट इज विवेक वर्सेस विवेक, योर इनर वॉइस वर्सेस योर आउटर वॉइस हैपनिंग राइट नाउ। बट यस या प्रिया, बॉस। आई मस्ट कंग्रेचुलेट ऑन यू नो वर्सेस ऑफ वॉर के लिए। 30 मिनट फिल्म, हैपन टू वॉच इट येस्टरडे। इट टुक मी सम टाइम टू यू नो अंडरस्टैंड, एंड देन यू नो मैं 10 मिनट बैठा टू अब्सॉर्ब व्हाट जस्ट हैपेंड। यू नो द वे यू प्रोजेक्टेड, द वे यू एक्टेड, एंड ऑफ कोर्स द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग। सबसे पहले शुरू करेंगे विद द नेम, विद द टाइटल। सो वर्सेस ऑफ वॉर खुद ही कितना ब्यूटिफुल पोएटिक नाम है, और बहुत कम टाइटल्स हैं इस जी दुनिया में जो पूरे फिल्म को डिस्क्राइब कर दे विद दैट टाइटल। सो हाउ डिड यू ऑल कम जी अप विद इट? आई थिंक एक जो थॉट था, एक जो कॉन्सेप्ट था कि एक फौजी जो होता है वो पहले इंसान भी होता है। यू नो, हम आर्मी की बात करते हैं, वी टॉक ऑफ इट लाइक अ होल यूनिट, बट इट्स मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स ना। इंसान है एट द एंड ऑफ द डे, उनकी अपनी पर्सनल फीलिंग्स है, हर एक की अपनी एक स्टोरी है, हर एक की अपनी एक जिंदगी है। वो हम भूल जाते हैं। हम जब वीडियो देखते हैं, हम जब न्यूज रिपोर्टिंग की रील देखते हैं, तो वी जस्ट सी पीपल इन यूनिफॉर्म, बट वी फॉरगेट कि इस इंसान के पीछे घर पे कौन है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके माँ बाप हैं, उसके दोस्त हैं, उसकी वो दुनिया क्या है। एंड वी डिस्कनेक्ट फ्रॉम दैट बिकॉज उसने अपना सब कुछ समर्पित किया होता है अपने देश के लिए, राइट? ही सरेंडर्ड एवरीथिंग। सो व्हाट हैपेंस इफ वन ऑफ देम इज अ पोएट? व्हाट हैपेंस इफ ही इज समबडी हु एक्सप्रेसेस थ्रू अ मीडियम दैट क्रॉसेस बाउंड्रीज? क्योंकि बाउंड्रीज ठीक है, मैं तैनात हूं इस तरफ, अपनी देश की रक्षा कर रहा हूं, आप अपनी देश की रक्षा कर रहे हैं उस तरफ, वी आर एट लॉगर हेड्स। बट जब हम म्यूजिक की बात करते हैं, जब हम आर्ट की बात करते हैं, जब हम शेरो शायरी की बात करते हैं, तो क्रिकेट उन सब क्रिकेट चीजों की तो बाउंड्रीज, या क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट यू स्टिल रिप्रेजेंट योर टीम। आप जब शेर लिखते हो, आप जब शायरी लिखते हो, आप कविता लिखते हो, तो आप ये नहीं सोच के लिखते हैं कि ये मैं सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए लिख रहा हूं जो मेरी भाषा समझ पाए। आज लोगों ने बड़े बड़े प्ले राइट्स, बड़े बड़े पोएट्स हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, अब वो लिखते थे बंगाली में, लेकिन दुनिया ने उनकी पोएट्री को ऑल ओवर द वर्ल्ड अंग्रेजी में, फ्रेंच में, कहाँ कहाँ ट्रांसलेट किया। तो दीज डोंट हैव एनी बाउंड्रीज, ना फिजिकल बाउंड्रीज, ना बाउंड्री ऑफ लैंग्वेज, ना बाउंड्री ऑफ नेशनैलिटी, कोई बाउंड्री नहीं। एक इमोशन है जो बहुत ही ह्यूमन है। तो ये एक बहुत सुंदर बात थी कि वर्दी पहनकर वो देश के साथ उसकी जो ईमानदारी है, देश के लिए जो उसकी जान देने की तमन्ना है, वो 100% ऑनेस्ट है। लेकिन समथिंग्स गो बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट, समथिंग्स गो बियॉन्ड यू एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो, एंड दैट्स पोएट्री। तो वो लिखता है। वो पोइट्री सुन के तो मुझे ऐसा लगा कि आपने शायद सालों साल मेहनत की होगी उर्दू में शायरी करना। सो इज इट योर फोर्टे, और इज इट समथिंग के आपने मेहनत की उसके लिए? घर पे माहौल ऐसा रहा, पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, हमेशा बोलते थे कि जब हम स्कूल में पढ़कर आते थे इंग्लिश, तो अंग्रेजी बोलना स्कूल में कूल होता था, हिंदी कौन बात करेगा। तो हिंदी जब हम घर में बात नहीं करते थे और इंग्लिश झाड़ते थे घर पे, तो पिताजी बोलते तुम तो अंग्रेज की औलाद हो, हिंदुस्तानी की, हिंदुस्तानी में बात करो, हिंदी में बात करो। हमें बाकायदा हिंदी सीखने के लिए, हिंदी जब न्यूज चलती थी दूरदर्शन की, उसके सामने बैठाया जाता था कि वॉच, देखो उनका डिक्शन, देखो उनका जो उच्चारण है उस उच्चारण को समझो, जो स्पष्टता के साथ वो बोलते हैं उसको समझो। तो वो सारी चीजों का इन्फ्लुएंस तो था ही, एंड फादर इज लेजेंड एट डिक्शन। उनकी भाषा बहुत बहुत खूबसूरत है, क्लियर है, उनके बोलने का अंदाज अनोखा है, बहुत सुंदर उनकी आवाज, तो
उफ 1 in a billion है, तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव रहा और उसी की वजह से सीखते गए। इसी तरह से मैं अपने बच्चों के साथ करता हूं। अब मेरे बच्चों को टॉयज, गिफ्ट्स, ये सब मिलती हैं जब वो हिंदी की कोई कविता पढ़ के सुनाते हैं। हाँ, तो अलग अलग मजेदार कविताएं वो पढ़कर सुनाते हैं, सीखते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। अमेजिंग. यू नो द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म वर्सेस ऑफ वॉर में, सिंस यू नो इट्स ऑन यूट्यूब, के दुनिया का हर इंसान देख सकता है, चाहे वो जी हिंदुस्तानी हो चाहे वो पाकिस्तानी हो. एंड लिविंग इन दुबई, यू नो हमने कभी ऐसा ये अलग या चीज़ समझा ही नहीं, बिकॉज वी वर ऑल टुगेदर, लिविंग टुगेदर एंड पीसफुली डन. सो द स्क्रिप्टिंग वॉज डन टू कीप इन माइंड कि सेंटिमेंट्स हम हर्ट नहीं करेंगे किसी का. वॉज दैट वन ऑफ द पॉइंट? यार, एक हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झगड़े हुए हैं, वॉर हुई है, ये भी रियलिटी है। लेकिन जब हम जैसे दुबई पहुंचते हैं, तो जिस प्यार से कोई फैन हमें मिलता है, वो तो मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आपका बहुत बड़ा चाहने वाला हूँ, हमें उसका सिर्फ प्यार पहले एहसास होता है, महसूस होता है। हमें ये नहीं पता होता है कि इसकी नेशनलिटी क्या है, कि अब वो बांग्लादेश का है, चाहे वो श्रीलंका का है, इंडिया का है, नेपाल का है, पाकिस्तान का है, वो हमें समझ में नहीं आता। जैसे आई लव यू मैन, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर वर्क, सो यू टेक दैट लव, यू एक्सेप्ट दैट लव एज एन आर्टिस्ट। बाकी सारी चीजें हैं, हाँ, आई एम प्राउडली इंडियन, अगर बात हिंदुस्तान पर उतर आए तो हम भी जान देने के लिए तैयार है। बट दुबई का एक कमाल ये है, यूएई का एक एक खूबसूरती है, एक ब्यूटी है, कि इट्स अ कल्चरल ब्रिज बिटवीन मेनी कंट्रीज। एक ही देश के अंदर आप रहकर देखोगे कि गोरे भी इंडियन फेस्टिवल्स को एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तानीज, इंडियंस, क्या ईद, क्या दिवाली, वो जो एक ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट है, एक जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाली बात, अगर हिंदुस्तान के बाद हम देखते हैं सेलिब्रेटेड समवेयर, आई फील दैट दैट्स इन द यूएई, खासकर दुबई की। अगर आप किसी स्कूल के क्लासरूम में चले जाएं, तो आपको कम से कम 25-30 नेशनैलिटीज मिल जाएंगे 25-30 बच्चों के बीच। तो इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू सी दैट, तो बहुत खूबसूरत बात है। सो यू लेट योर गार्ड डाउन, यू फॉरगेट अबाउट बॉर्डर्स, यू फॉरगेट अबाउट पोलिटिकल टेंशन, यू जोक विद ईच अदर, एंड समटाइम्स दैट्स अ ब्यूटी ऑफ लाइफ। बहुत ही सही कहा, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया, पूरा डिस्क्राइब किया. एंड आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 12 इयर्स एंड आई कांट अग्री मोर देन दिस, यू नो द वे यू हैव एक्सप्लेन इट एंड यू हैव डन इट सो वेल. एक्सपो 2020 में आपको अवार्ड मिल चुका है, बेस्ट फिल्म अवार्ड जी वर्सेज ऑफ वॉर को. आप अब दुबई में घर कब खरीद रहे हो? दुबई में जो खरीदना है खरीदो, घर मत खरीदो। जस्ट जोकिंग। नो, आई गेट स्केर्ड ऑफ दुबई रियल एस्टेट। आई थिंक दुबई हैज एन अमेजिंग प्रिडिक्टेबिलिटी एंड सेफ्टी अबाउट इट। यू फील सो कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल, आप कहीं रास्ते पे चल रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, यू डोंट फील वरीड, आपको डर नहीं लगता। आप वहां ठहरे हो, आप अपना कमरा लॉक करना भूल गए, अपार्टमेंट लॉक करना भूल गए, तो भी आपको चिंता नहीं है, यू फील अ ग्रेट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इट्स अमेजिंग। द ओनली थिंग आई फील इनसिक्योर अबाउट दुबई इज द रियल एस्टेट, बिकॉज यू डोंट नो व्हेन इट गोज 40% अप, व्हेन इट गोज 40% डाउन। आई मीन दैट्स एन ऑनेस्ट ओपिनियन एंड फीडबैक। सो पीपल हु आर इन्वेस्टिंग देयर एज इन्वेस्टर्स, आई थिंक बहुत जिगर चाहिए, यू नीड टू बी वेरी डेयरिंग, बिकॉज वी आर सो ट्रेडिशनल इन आर इन्वेस्टमेंट्स, खासकर बम्बई के लोग हैं, तो ये मुंबई तो वो वाली धरती है जो कभी नुकसान करती नहीं, तो आपको पता है कि धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। सो दोज आर द रिस्क, सो इट डिपेंड्स इफ यू हैव अ रिस्क एपेटाइट। बाकी आई थिंक विद इन यूएई प्रॉब्ली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस। व्हेन आई कम टू दुबई, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस आई गेट इन वन स्मॉल ड्राइवेबल डिस्टेंस, where in 15 or 20 minutes you could be skiing on artificial ice slopes, you could be scuba diving, you could be horse riding, you could be parasailing, windsurfing. The experiences that it provides you, it's exceptional. The quality of life is exceptional. And I'm sure the experience that people will get after watching Verses of War, it's going to be something that they will, you know, try to, उनको मतलब एक झटका सा लगेगा. उनको लगेगा कि सोल्जर्स ऐसे भी होते हैं क्या, उनकी लाइफ ऐसी भी जी होती है क्या. सो इट विल बी अ इट विल गिव अ वेरी डिफरेंट परस्पेक्टिव. एंड यू नो टॉकिंग अबाउट द प्रोसीड्स ऑफ द फिल्म जो आपने वॉर विडोज के लिए दिए, वेरी राइटली यू हैव डन दैट.
एंड एज वी थैंक स्पीक यू यू नो ऑलरेडी वॉर हो रहा है यूक्रेन रशिया की हम बात करें तो, सो इफ जी। यू हैव द पावर, इफ यू हैव टू से समथिंग विच वुड हेल्प और एटलीस्ट यू नो सम हाउ स्टॉल एवरी वन वॉन्ट्स दैट द वॉर शुड स्टॉप, अगर कुछ विवेक ओबराय कहना चाहेंगे इस बारे में तो क्या होंगे उनके थॉट्स? यार जंग जब ड्यूटी होती है तो ड्यूटी होती है, लेकिन जंग करने वाले भी जानते हैं फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। वॉर एक ऐसी चीज है जहां पे हर तरफ जीतने वाले का भी नुकसान है, हारने वाले का भी नुकसान, नुकसान वाली चीज है। सो आई एम नॉट अ बिलीवर इन वॉर, आई एम नॉट अ बिलीवर इन जिंगोइज्म दैट लीड्स टू वॉर, आई एम अ बिलीवर इन पीस। आई लव दैट माई कंट्री इज टूडे बींग कॉल्ड टू इंटरवीन अमंग लार्ज नेशंस टू बी अ पीस बेरर, कि भैया झगड़ा रोकने के लिए आप हिंदुस्तान को बना रहे। आज हिंदुस्तान ने शांति इस शब्द को हजारों साल से, चाहे वो आयुर्वेद के माध्यम से हो, योगा के माध्यम से हो, या फिर महात्मा गांधी के नाम से हो, एक प्रतीक बन गया, एक सिंबल बन गया। आई लव दैट माई कंट्री इज अ सिंबल ऑफ पीस, अ सिंबल ऑफ को एग्जिस्टेंस। इट्स ब्यूटिफुल, राइट? देर इज अ व्हाइट राइट इन द मिडल ऑफ आर ट्राई कलर, दैट कलर ऑफ पीस, दैट कलर ऑफ शांति। आई लव दैट अबाउट माई कंट्री, एंड आई विश दैट दैट्स व्हाट इट इज। आई विश नो मोर वॉर्स, नॉट फॉर माई कंट्री, नॉट फॉर द वर्ल्ड। आई डोंट वॉन्ट वॉर्स फॉर आर चिल्ड्रन, आई वॉन्ट पीस एंड हैप्पीनेस फॉर देम ऑल। व्हेन आई सॉ द इमेजेस ऑफ दैट डेवेस्टेटेड थिएटर एंड आई सॉ दोज प्रैम्स ऑफ 1500 चिल्ड्रन लाइंग एम्प्टी, इट ब्रोक माई हार्ट टू सी दैट। सो आई थिंक राइट या रॉन्ग, अग्रेसर डिफेंडर जो भी हो, जीतने वाला हारने वाला, नुकसान सबका होता है। दिस इज वॉर। ब्यूटिफुली सेड यार विवेक, रियली आई नो मैं दिन ब दिन आपका फैन होते जा रहा हूँ। कंपनी में जिस दिन आपको देखा था, आई थिंक 2003 था वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑन द वे यू केम, मुझे लगा कि यार मतलब यू नो व्हाट एन एंट्री यू मेड, एंड देन द वे पूरा थैंक करियर स्पैन हुआ, लॉर्ड ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट यू। नाउ कमिंग टू यूट्यूब, वुड यू एवर इमेजिन के यूट्यूब पे आपकी फिल्म आएगी? मतलब यू नो वेर एवर द टेक्नोलॉजी इज टेकिंग यू नहीं आर यार, थिंकिंग अबाउट। आई नेवर थॉट ऑफ दैट, नाइदर आई थॉट। जब आई बिकेम द फर्स्ट मेन स्ट्रीम इंडियन एक्टर टू डू अ सीरीज, व्हेन आई साइंड अप फॉर इनसाइड एज ऑन प्राइम वीडियो, एंड लोग बोल रहे थे ये है क्या, ये प्राइम वीडियो है क्या? तो मैंने कहा यार दिस इज द फ्यूचर एंड दैट्स व्हाट इट्स बिकम नाउ, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड दैट इनसाइड एज हैज नॉट ओनली वन मी पर्सनली अ लॉट ऑफ अवार्ड्स, अ लॉट ऑफ अक्लेम, अ लॉट ऑफ सक्सेस, बट बिकेम द फर्स्ट इंडियन कॉन्टेंट टू बी नॉमिनेटेड फॉर एन एमी। सो वी एंडेड अप बींग एमी नॉमिनेटेड एंड लॉस्ट टू मनी हाइस्ट। But the success of these three seasons, and now there's something that I'm shooting for Amazon right now, which is probably going to be India's biggest show, most ambitious show ever. So super excited about the way this space is also growing, and loving what's happening with the revival of Indian cinema by unlikely champions like Kashmir Files. So happy and so excited for हम दोनों का हम नाम, विवेक विवेक अग्निहोत्री। He's लेट्स done such a होप phenomenal job. एब्सोल्युटली, एंड यू नो ये फिल्म हार्ड हिटिंग तो होते ही है, और प्लस आपकी फिल्म आपने जो मैसेज पास ऑन करने की कोशिश की है, लॉट ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज एज यू मेंशन, बट इंडियंस इन पाकिस्तानीज लिविंग इन यूएई हु आर बिग फैंस ऑफ विवेक ओबराय, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, फॉर एवरी वन लिसनिंग टू अस एंड ऑल्सो वॉचिंग दिस? इन वर्सेस ऑफ वॉर ऑल्सो एक लाइन है, एग्जैक्ट वर्ड्स मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, काफी समय हो गया है। बट लाइन का मीनिंग ये है कि एक लकीर खींचने से हमारी जो हिस्ट्री है वो तो नहीं बदल जाएगी। हम थे तो एक ही लोग, एक आदमी यूके में बैठा बैठा रैडक्लिफ, जिसने कभी हिंदुस्तान देखा भी नहीं था, जो कभी इंडिया आया भी नहीं, एक क्लर्क बैठ के उसने एक मैप के ऊपर लाइनें खींच दी, दो लकीरें खींच दी कि भाई ये हो गया इंडिया, ये पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं वो बॉर्डर तो 70 साल पहले ही जन्मा है, उससे पहले तो हम एक ही लोग थे। तो ऐसा होता है ना कि जब हम देखते हैं कि कोई तीसरा बाहर वाला आता है और दो भाइयों के बीच में एक लकीर खींच के चला जाता है, वो भाई भी इतने कमाल कि वो अब उस लकीर को लेके झगड़ा कर रहे हैं।
तो ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है, ये हमारी अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है. बट जैसे मैं कहता हूं कि एक लकीर खींचने से लोगों की हिस्ट्री थोड़ी बदल जाती है. तो हमारे जो रूट्स हैं, जहां के हम हैं ओरिजिनली, वो तो अनडिवाइडेड इंडिया है. तो वहीं से तो मेरे मेरे फादर वहीं पैदा हुए, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए. ही वॉज ब्रॉट हियर आफ्टर द पार्टीशन. तो ये सारी चीजें तो हम फील करते हैं, आज भी फील करते हैं. सुपर विवेक, आई थिंक यू नो बहुत जल्द जो है ये विजडम एंड द वे यू यू नो हैंडल्ड योर सेल्फ, जिस तरह आप बात करते हैं, मैं बहुत ही बड़ा फैन होते जा रहा हूँ आपका. ऐसे ऐसे बाय द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू तो आई एम गोना बी लाइक वाओ, व्हाट अ पर्सनालिटी आई हैव जस्ट स्पोकन टू. बट रियली थैंक यू सो मच फॉर दी अमेजिंग पर्सपेक्टिव दैट यू हैव, द एक्सप्लेनेशन, द वे यू डिस्क्राइब इट इज क्लियर एंड येट इट इज नेक्स्ट लेवल. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, सी यू सून. जब भी दुबई आए प्लीज हमारे स्टूडियो आए और हमें भी मौका दीजिए आपके साथ थोड़ा सा वक्त बिल्कुल बिताने का. पक्का डन. थैंक यू सो मच, थैंक यू. टेक केयर, बाय.